ऐसे करने में तो बहुत ही मज़ा। मुझे हाइपरलेंस डालने की भी जरूरत नहीं है, इतना फास्ट है। चाइनीज हाई स्पीड रेलवे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। If you don't know, China has more than 40,000 kilometers of high-speed railway network, which is 14 times higher than the France, 13 times higher than the Japan, and 700 times higher than the USA. Actually, China has more high-speed railway tracks than the rest of the world combines, and it always feels special when you ride in one of these. And in the recent past, I got a chance to ride the famous one, Shanghai to Beijing. किंचो नमस्ते, नए दिन और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं कहां पे हूं, शांघाई के रेलवे स्टेशन पे। तो अभी आप ये देखो कि मैं यहां पे कैसे आया और मैं कहां पे जा रहा हूं। गो चेक आउट। तो अभी मैं जा रहा हूं एक ज़रूरी काम से, कंपनी के काम से मैं जा रहा हूं बाहर, और अभी बजे हैं 7:20। रेलवे स्टेशन जाएंगे, आई थिंक सबवे से जाना ही बेटर होगा। सबवे टू सबवे सीधा रेलवे स्टेशन बहुत ही ईजी पड़ता है, लेट ना हो जाओ, बस वही एक प्रॉब्लम है। ट्रेन मेरी बहुत बार छूटी है, बहुत ऐसे किस्से हैं, बट हम बात करेंगे इसके रिलेटेड कि चाइना में कैसी ट्रेन होती है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी। टैक्सी से आते तो इधर से आते। सिक्योरिटी तो काफ़ी इजी थी, कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया, बस वो स्कैनर से बस अपना बैग निकाला और बस वो थोड़ा सा चेकअप किया। देखो यार कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है यार। Anyhow, chigo. EAP, 1 AP. This. Okay, शीशे। देखो यार किसी से भी पूछ लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों में शर्म नहीं रखनी चाहिए। पता है हम बाहर के काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। एक बार मेरी ट्रेन ऐसे मिस हुई है, मेरे को रीशेड्यूल करवानी पड़ी थी। ये देखो पूरा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर्स तो बहुत ही है, तो हम जैसों के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऊपर का जो फ्लोर है ना वो पूरा मैकडी वैकडी सब लगाया है, KFC, मैकडी, भूख भी लगी है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले कंफर्म भी कर लेते कि यहीं से जाना है कि नहीं, तो भाई कंफर्म हो गया है, यही है अपना गेट। अभी थोड़ा घूमेंगे क्योंकि अभी अपने पास है टाइम 1 घंटे का। तो ये देखो यहाँ पे स्टारबक्स है, अगर काशू होती तो ऑब्वियसली मेरे से वो बाय करवाती। मुझे इतनी कॉफ़ी पसंद नहीं है, मैं चाय वाला बंदा हूँ, मैं मस्त चाय पीता हूँ, बट चाय तो यहाँ पे खैर छोड़ो, अभी क्या ही बोलूँ मैं। देखते हैं कुछ नाश्ते में मिल जाए तो। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर हो ना जुदा। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। ये देखो बिजनेस क्लास लॉन्च तो क्या जबरदस्त है भाई, एयरपोर्ट वाले लॉन्च जितना खास नहीं है। इधर से कुछ ले लेते हैं। जूस ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छी जगह है खाली वाली। यहाँ से देखो आप पावर बैंक भी ले सकते हो, अलीपे या वीचैट से रेंट कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो। ऐसी मशीन बहुत जगह पे लगाई होती है, वहाँ पे आप रिटर्न कर दो, बहुत ही ईजी है। अभी देखते हैं कि अपने गेट पे बोर्डिंग चालू हुआ कि नहीं। सब लोग वेटिंग कर रहे हैं वेटिंग लॉन्च में। ये देखो यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे थे अभी, साफ सफाई का तो भाई बहुत ही ध्यान रखते हैं यहाँ पे। यार ये तो बोर हो गए, तो बहुत जल्दी आ गए हम। इट्स वेरी चीप आई थिंक, सब चीज़ें गर्मा गर्म सब, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है वड़ा पाव बेच रही है वो। रेलवे स्टेशन पे आओ और वड़ा पाव चाय ना खाओ तो वो जर्नी अधूरी है भाई। मैन आई रियली मिस वड़ा पाव। वड़ा पाव तो ना ही सही, कुछ और तो ले ही लेते हैं। चलो जीरो चूरो छोटा ओके
चलो भाई चिकन रैप ले लिया अभी। वन देखो यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े भी हो गए। अभी आई और उसने दरवाज़ा खोला। ओके भाई साहब ये आ गई अपनी फास्ट ट्रेन। तो ये है डब्बा नंबर एक। ओके इस साइड है नंबर 10। तो हमें जाना है उस साइड। यहाँ पे जो इंडोर है ना यहाँ पे भी एसी है। ये देखो सब फूड आ गया है यहाँ पे, फूड पार्सल्स। जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस होती है यहाँ पे भी एयर होस्टेस तो नहीं मतलब ऐसे ही मतलब होते हैं लोग। ये देखो भाई क्या बढ़िया ट्रेन है, 3 नंबर का डब्बा, 3 नंबर का कोच। ये आ गया 14C। रेलवे की केटरिंग सर्विस से आया है ये, सिर्फ 6 RMB का। मेरे को जो अलग ही निकला भाई। ये तो सुशी निकला, सुशी इमोशनल डैम इट। अपना ओरियो ही बेस्ट है। अभी 15 मिनट की देरी है तो थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं हम। इंडियंस का वैसे भी आपको पता ही ऐसा ही है, जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो तब तक हम अंदर नहीं जाते। ऐसे करने में तो बहुत ही मज़ा आता है बट ऐसा कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। अभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसा लगता है कोई सिमरन यहाँ से दौड़ती हुई आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा। स्टेशन तो देखो यार कितना क्लीन है। हमारे यहाँ के स्टेशन यार इतने क्लीन क्यों नहीं होते। अभी चलो टाइम हो गया है, 5 मिनट की देर है तो बैठ जाते हैं अभी। एग्जैक्ट वहाँ पे और ये गाड़ी चल पड़ी है। इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि चल रही है कि बस खड़ी है। चीज दिखाऊं, सब्सक्राइब कर देना यार। ये जो दरवाजा है ना इसको टच करने की जरूरत नहीं है, बस आप आगे जाओ खुल जाएगा। कितना बढ़िया है ना। जा रहा है पता भी नहीं चलता। फ्लाइट पे जैसे टॉयलेट होते हैं इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इश्यू सब कुछ है, ऑटोमेटिक फ्लश, टॉयलेट सीट कवर चाहिए तो वो भी है। भाई 350 हो गया। इसमें मुझे हाइपरलैप्स डालने की भी जरूरत नहीं है, इतना फास्ट है। मान लो अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और दोनों सिटी का डिस्टेंस है 1350 किलोमीटर, क्या आप सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकते हैं? वेल इफ यू गो बाय फ्लाइट ऑफ कोर्स यू कैन रीच अर्ली, बट अगर हम ट्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली फास्टेस्ट ट्रेन जो इंडिया में अवेलेबल है वो है राजधानी एक्सप्रेस एंड इट टेक्स अराउंड 15 to 16 आवर्स।
अगर चाइना की बात करें तो 2008 में अपने दोनों मेगा सिटी शंघाई और बीजिंग को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 2011 में वो कंप्लीट भी हो गया। एंड यू कैन गेस द ट्रैवल टाइम, इट्स जस्ट 4 hours and 18 minutes, जिसमें मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। 350 की स्पीड से चल रही ये ट्रेन में सिर्फ दो ही स्टॉप्स है, एक है नानजिंग और दूसरा है चीना, जहाँ पे मैं उतरने वाला हूँ। सेम में बहुत सी ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जो नजदीक के सिटीज को जोड़ती है। अगर ऐसी ट्रेन इंडिया में भी होती तो क्या ही मजे आ जाते। अहमदाबाद से मुंबई हम सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच पाते, मुंबई से पुणे सिर्फ 30 मिनट और मुंबई टू दिल्ली शायद 4 घंटे या 4.5 घंटे में आसानी से पहुंच जाते। वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिस्टम अच्छी नहीं है बॉस, इंडिया हैज वर्ल्ड्स 4th largest रेलवे नेटवर्क, बहुत ही लग्जरियस एंड बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेन्स हमारे पास भी है और हाई स्पीड ट्रेन भी जल्द ही आने वाली है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2028 में खत्म होगा, वो है अहमदाबाद से मुंबई का। ये डिस्टेंस हम कवर कर सकेंगे सिर्फ 3 घंटे में, जो कि काफी अच्छा है। एंड आई होप कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा और लोगों की लाइफ पे डेफिनेटली बहुत इम्पेक्ट करेगा। सो ये जो ट्रेन है वो जाएगी सीधा शंघाई से बीजिंग। सो चीनान मुझे जाना है तो मैं वहाँ पे उतरूंगा। चीनान का जो डिस्टेंस है वो है 850 किलोमीटर, वो हम पहुँचेंगे सिर्फ 3 घंटे में। नानजिंग आने में आई थिंक 1 आवर लगा, 5 मिनट यहाँ पे रुके आई थिंक। अगला स्टॉप है अपना। जब ट्रेन रुकी मुझे लगा कि कोई चाय बेचने वाला या फिर भजिए वाला आएगा, वो आते तो मजा ही आ जाता। देखो बच्चों की हाइट के लिए मार्क्स लगा है 1.2 मीटर 1.5 मीटर का, ऐसे मतलब आप झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा बच्चा 10 साल का है तो इतनी टिकट ही लगेगी। हाइट के हिसाब से है, टिकट देनी पड़ेगी आपको। 350 की स्पीड पे नज़दीक का जो होता है ना वो तो फटाफट जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कैंटीन काफ़ी अच्छी थी, बहुत कुछ मिल रहा था बट थोड़ा महंगा था। 60 RMB की ग्रैब से 600 रुपये की, 60 RMB का पूरा सेट था, खाने का मील था। बट मैं अभी सीधा जाऊंगा होटल और होटल पे ही खाना खाऊंगा। एग्जैक्ट ऑन टाइम। और भाई हम बाहर आ गए हैं, अपनी वाली ये थी जीनान वेस्ट रेलवे स्टेशन पे हम आ पहुँचे हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास जर्नी थी यार, मज़ा आ गया। 3 घंटे तो ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला। यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह भी होता होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। पासपोर्ट तो भाई हम आ गए हैं बाहर,
चिनन में मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, देखते हैं कैसा है यहाँ का फूड, ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा ट्राई करेंगे। वैसे काम तो बहुत ही है, तो अभी चलते हैं सीधा होटल। सिर्फ 12:10 हुए और मैं बाहर भी आ गया। जब आए थे तब भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और अब भी कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा।